पूछा साइन 17π/3 इज इक्वल टू वॉट। तो इसका इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें पहले 17π/3 को हमें एंगल में ब्रेक करके लिखना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 6π-π/3। देखो 18 - 1 7π/3, और 6π-π/3 जो है 6π यानी कि इवन पाई आ रहा है 6π। देखो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे इवन पाई आते हैं। इवन पाई का मतलब 0π, 2π, 4π इस तरह से आता है, और यहाँ पे क्या आते हैं ओड पाई आते हैं। यहाँ पे ओड पाई का मतलब हो गया क्या 3π, 5π, 5π लाइक दिस, ये सारे पाई यहाँ आएंगे। ठीक है राइट right. तो अब 6π मतलब 6π यहाँ होगा, -π/3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये जो आया ये हमारा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन 17π/3 को मैं लिख रहा हूँ, साइन 17π/3 को मैं लिख रहा हूँ साइन 6π-π/3 राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन रहेगा, पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो -sin π/3। और sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2 60 डिग्री की, तो -√3/2 हमारा आंसर हो जाएगा।